इंट्रोड्यूस फोटोशॉप 7। आज बात करने वाले हैं कौन से चीज़ को क्या नाम से जाना जाता है और कौन से चीज़ को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या काम करता है। इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मतलब पहचान करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट में ये जो है ये सारे यहाँ पर टूल्स रहते हैं, इस टूल में जितना भी चीज़ें हैं इसके बारे में इंट्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, ये फर्स्ट में जो है ये है रेक्टेंगुलर मर्क्यूरी टूल, इसको सिलेक्शन टूल भी आप कह सकते हैं क्योंकि इसको सिलेक्ट कोई भी एरिया को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इस्तेमाल किया सिलेक्ट करने के लिए एरिया को, अगर आप इस एरिया को कट करना चाहते हैं, किसी फ़ोटो में बैठाना चाहते हैं उसको भी बैठा सकते हैं, पर इसको मूव करने के लिए इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप इसको हटाने के लिए फिर इसी टूल का ऐसे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। आप नेक्स्ट टूल है मूविंग टूल, आपको पता चल गया इस पे इमेज को मूव करके दूसरे जगह में ले जाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको मूविंग टूल बोलते हैं। इस टूल का अगर कीबोर्ड का सिलेक्शन है तो एम से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, एम बटन दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर वी बटन दबाएंगे तो मूविंग टूल सिलेक्ट हो जाएगा। ये जो टूल्स है थर्ड नंबर में लोसो टूल है, ये एल बटन दबाने से इस टूल सिलेक्ट हो जाता है, सेफ कीबोर्ड का एल। ठीक है, और इसको कोई भी एरिया को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में है इस तरीके से आप बड़ी बड़ी के से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, जिस एरिया को आपको कट करना है उस एरिया को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ से फिर इसको मूव कर सकते हैं। अब दूसरा इमेज और एक टू इमेज ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, तो चलिए इस इमेज को ले लेते हैं। इसमें इस इमेज को अगर इसमें ले जाना चाहते हैं तो इसमें ले जा सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से हम इसका टूल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टूल जो है नेक्स्ट टूल जो है यहाँ पर देख सकते हैं इसी में अलग अलग तरीके का टूल है। ठीक है, ये कुछ आप अलग तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर टैप करके माउस का क्लिक करके एक एक क्लिक करके आप यहाँ पर सिलेक्ट को कर सकते हैं। ठीक है, आप ये दूसरा तरीके से यहाँ पर टैप टैप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है मैग्नेट टूल, ये भी आप क्या होगा ना जिस एरिया को सिलेक्ट करना है उस एरिया को पास ले जाइए और ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से हम सिलेक्ट करना चाहते हैं ईजीली सिलेक्ट हो जाता है, यहाँ पर जो एक ही तरह का कलर है उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो इसको सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर लास्ट में इसको मिलाना होगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट में जो टूल है मैजिक टूल, इस टूल का इस्तेमाल कोई भी एरिया को एक ही कलर को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया, एक ही कलर है, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं एक ही कलर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सेम डार्क कलर दिख रहा है इसीलिए सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर भी सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर भी सिलेक्ट हो गया, जिस कलर का एक ही सेम कलर दिखेगा वहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेगा, इसलिए इसको जाना जाता है, इसमें मैजिक टूल बोलते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसको किसी जगह में ले जा सकते हैं कॉपी करके। उसके बाद नेक्स्ट में आता है क्रॉपिंग टूल्स, और इस टूल को जो है W से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्रॉपिंग टूल सी दबाने से ये सिलेक्ट हो जाता है कीबोर्ड का, तो इसको क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई भी एरिया है तो यहाँ पर एरिया को ऐसे क्रॉप करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको क्रॉप कर दीजिए तो ये क्रॉप हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉप राइट क्लिक करेंगे माउस का, क्रॉप में क्लिक करेंगे तो क्रॉप हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये जो है स्लाइस टूल बाकी से ये सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस टूल का इस्तेमाल कैसे होता है ना, इस टूल का इस्तेमाल इसको कटने के लिए, स्लाइस मतलब बांटने के लिए, अलग हिस्सों में बांटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं ना, इसका इस्तेमाल जब यहाँ पर
कोई भी वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज में बनाने के टाइम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, ये है हीलिंग ब्रश टूल। ये जे दबाने से ये टूल सिलेक्ट हो जाता है। इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं, इसमें दो दिखता है आपको, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हैं ना, फिर इसमें आप इस टूल की मदद से आप किसी भी एरिया को दूसरे जगह में कॉपी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मान लीजिए इसी चीज़ को कॉपी करना है, क्लोन कर सकते हैं एक तरीके से। यहाँ पर क्लिक करना है आपको, आल्ट कीबोर्ड का आल्ट को प्रेस करना है और इसको प्रेस करना है। उसके बाद दूसरे जगह में जहाँ इसको प्रिंट करना है वहाँ प्रिंट कीजिए, ये अपने प्रिंट होने लगेगा, देख सकते कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट जो है यहाँ पर, ये ब्रश टूल है, ठीक है। ब्रश टूल के मदद से आप यहाँ पर किसी भी जगह में कलर कर सकते हैं। यहाँ पर जो कलर करना है आप उस कलर को यहाँ सिलेक्ट करना होगा, आप उस कलर को यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे इस कलर को यहाँ से देख सकते हैं, मैंने यहाँ से गायब कर दिया इस कलर को, ठीक है। किसी भी जगह में आप कलर को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में जो है स्टैम्प, यहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल, तो इस कलर को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर क्लोन कर सकते हैं इस चीज़ का, देख सकते हैं स्टैम्प क्लोन। ये भी सेम इसी तरीके का काम करता है। ये इसको सिलेक्ट करने के लिए आपका एस दबाना पड़ेगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है, इस टूल का क्या इस्तेमाल किया जाता है, जब भी आप कलर किए उस कलर को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए उस कलर को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कलर किए थे वो सारे यहाँ पर हट चुका है। देखिए पहले जैसे कलर था वो कलर हो चुका है। इसको इरेज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर इस टूल को बड़ा करना चाहते हैं, इसमें इसके बड़ा कर लीजिए और इसको इरेज कर सकते हैं, पूरा एक एरिया को इरेज कर दिए, देख सकते हैं, ठीक है। ये भी इरेजर टूल है, वो इरेज करने के लिए भी इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। उस एरिया को बैकग्राउंड में इरेज हो जाता है, बट यहाँ पर आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है इसमें, तो ये बैकग्राउंड इरेज होगा, ठीक है। बैकग्राउंड इरेज कर देगा, अब जहाँ भी यहाँ इसको चलाइएगा, ठीक है। इसका डायमीटर इस तरीके से आप इरेज कर देता है बैकग्राउंड को। नेक्स्ट जो टूल है, इस टूल के मदद से यहाँ पर, इस टूल के मदद से क्या कर सकते हैं ना आप, इसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। ये दो कलर को एक साथ में कर सकते हैं, एक है वाइट और ये इसका कॉम्बिनेशन में। इसका कॉम्बिनेशन अगर रेड रख देते हैं हम, तो देखिए रेड और पिंक है ना, इसमें अगर हमको कलर करना है तो इसमें कलर कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक खींचे हैं, ये कलर ले लिया है पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको हटाने के लिए कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये अंडो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट जो है, ये ब्लार करने के लिए यूज़ किया जाता है, ब्लार टूल बोल सकते हैं इसको। ब्लार टूल व आर दबाने से ये टूल सिलेक्ट हो जाता है और किसी भी एरिया को ब्लार करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर इस एरिया को ब्लार करना है, आप जस्ट इसको बार बार ऐसे क्लिक कीजिए, यहाँ पर एक बार क्लिक करके इसको क्या करना है ना, इस तरीके से घिसना है, तो ये धीरे धीरे ब्लार होते जाएगा। ब्लार का परसेंटेज यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, लाइट, जैसे तरीके का ज़रूरत है उस तरीके से ये इसको ब्लार कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ब्लार कर दिए तो उस ब्लार को डार्क करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल डार्क करने के लिए, किसी जगह भी आप ब्लार हैं तो उसको हटाने के लिए, सफ़ेद करने के लिए, और यहाँ पर इसको डार्क कर सकते हैं इसका मदद से, उस एरिया को डार्क करते ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही, इसको और ज़्यादा डार्क किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, देखिए इसका यहाँ इस एरिया को कितना ज़्यादा डार्क कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है ना, ये सिलेक्शन टूल है। कोई भी एरिया को आप बिना ये करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये है टेक्स्ट टूल, मतलब टेक्स्ट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाय। इसका नाम जो है एक्चुअली, नाम किस नाम से जाना जाता है ना, इसका एक्चुअली नाम जो है हॉरिजॉन्टल टाइपिंग टूल्स के नाम से जाना जाता है। इस टी दबाने से ये सिलेक्ट हो जाता है और आप यहाँ से यहाँ पर सिलेक्ट करके कोई भी लेटर में नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ पर टाइप कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर पेन टूल ना, आप यहाँ पर कोई भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पर करना है आपको, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसका कलर भी अगर चेंज करना है तो आपको समझ में आएगा, तो हम यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा ग्रीन कर देते तो यहाँ पर समझ में आए। पहले जो सिलेक्ट है उस तरीके से सिलेक्ट हो रहा है। अब इसको हटाने के लिए क्या करना है ना, इसको हटाने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, जस्ट यहाँ पर सिलेक्ट टूल यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्लिक करना है जस्ट आपको, और ये सिलेक्ट हो चुका है, डिलीट बटन दबाने से ये सिलेक्शन ओके है, ओ करने से ये हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टूल है, इस टूल के मदद से आप अलग अलग शेप में कटिंग कर सकते हैं, इसको कटिंग रेक्टेंगुलर शेप में कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके का शेप में इसको कलर कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये है, इसको बोलते हैं नोटिस टूल, इसमें आप कोई भी इसमें नोट कर सकते हैं, नोट को लिख सकते हैं इमेज के ऊपर में, नोट अगर चिपकाना है कोई भी इमेज में, कुछ लिखना है तो उस चीज़ को लिख के इसमें चिपका सकते हैं, जितना चाहे आप इसमें नोट को लगा सकते हैं, एक दो जितना चाहे इसमें नोट को आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में है टूल, ये आई ड्रॉप टूल है, इस कलर को आप पहचान सकते हैं इसको आई ड्रॉप के टूल की मदद से, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें जैसे ही क्लिक किए तो इसमें कौन सा यहाँ पर देख सकते हैं, इस कलर को यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है, इस टूल की मदद से आप उसी कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लिक किए इसमें इस कलर सिलेक्ट हो गया, इसमें क्लिक किए ये कलर सिलेक्ट हो जाता है, और उस कलर का पेंटिंग, उस कलर के आप इरेजर यूज़ करके बा क्लोन यूज़ करके बा उसको हल्का ये इरेज करके आप इसको इरेज कर सकते हैं, बस उस कलर को कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में जो है ये हैंड इरेज टूल है, मतलब इसमें हैंड इसमें इस तरीके से हैंड दिखा सकते हैं, और इसको इमेज जो जूम है उसको आप ऊपर से नीचे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जूम आउट हो गया, ये जूम यहाँ पर क्लिक करना है तो ये जूम हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं जूम हो रहा है और जूम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जूम हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ लिखा है तो ये हमको समझ में आ रहा है, देख सकते हैं इसमें कुछ लिखा है। इससे ऊपर नीचे करने के लिए इस टूल का हैंड टूल का इमेज का टूल का यूज़ किया जाता है, और इस टूल के लिए जूम आउट करने के लिए माइनस को जूम आउट करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जूम करेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा जो यहाँ पर क्या लिखा है ना, देख सकते हैं। तो सारे टूल के बारे में आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए।